हाय एवरीवन, हमने अब तक स्क्वायर प्रिज्म का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। देख लिया था हमने कि कोई सेक्शन प्लेन है, स्क्वायर प्रिज्म को कट कर रहा है, तो उसका डेवलपमेंट हमने कैसे करना है वो हमने कंप्लीट लास्ट लेक्चर तक कर लिया था। हमने स्क्वायर प्रिज्म का देख लिया, पेंटागोनल प्रिज्म का देख लिया, हेक्सागोनल प्रिज्म का देख लिया। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पिरामिड का डेवलपमेंट, जिसमें कोई सेक्शन प्लेन कट कर रहा है। तो पिरामिड का डेवलपमेंट आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया हुआ भी है, वो हम लोग जब पिरामिड का एक दो डेवलपमेंट देख लेंगे तो फिर आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी एक दो देख लेंगे। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर नज़र आएगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, सेम पैटर्न में बनाएंगे जैसे हम लोग अभी ऐसा बना रहे हैं। इसी का वो भी क्वेश्चन आपको करा लिया जाएगा, जो क्वेश्चन आया हुआ वो भी क्वेश्चन आप लोगों का करवा दिया जाएगा। और फिर पिरामिड के बाद कोन ऑफ सिलेंडर का भी देख लेंगे, जिसमें सेक्शन प्लेन कट कर रहा है। और उसके बाद फिर कुछ सिलेबस में भी कुछ न्यू टॉपिक दिया है, उससे क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका भी देख लेंगे कैसे वो बनता है। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर प्रिज्म हैविंग बेस एज 26 mm एंड हाइट 58 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका बेस कोई स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस का एज 26 mm है और हाइट 58 mm है। उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर उसका बेस रखा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सच दैट वन बेस एज इज परपेंडिकुलर टू VP। इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका एक बेस एज परपेंडिकुलर टू VP है। तो ये सब ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में। तो कैसा है स्क्वायर प्रिज्म, मानता हूँ ये स्क्वायर है, इसका बेस, ये बेस है पिरामिड, ऐसे रखा हुआ है, इंक्लाइन, ऐसे इंक्लाइन, ऐसे इंक्लाइन, और इस साइड से इंक्लाइन रखा हुआ है। अब क्या है, यहाँ पर उसका बेस ऐसे रखा हुआ है कि उसका एक बेस का एक एज जो है वो VP से परपेंडिकुलर है। तो ये सब बेस का एज है 1, 2, 3, 4, स्क्वायर है तो 4 ही होगा। तो ऐसा रखना है कि उसका बेस का एक एज परपेंडिकुलर हो जाए VP से। तो क्या करना है, ऐसे अगर हम लोग रख लेते हैं इसको टच करके या थोड़ा सा आगे करके, तो ये तो पैरेलल होगा ही होगा और ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर है तो 90 डिग्री पर, ये 90 पर इससे है, तो अगर इसको पैरेलल कर देंगे VP से तो ये ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक को पैरेलल कर लिया हमने और ये ऑटोमेटिक इस साइड वाला परपेंडिकुलर हो गया। देख लिया आपने, इस साइड वो परपेंडिकुलर होगा। जब टॉप से आप देखेंगे तो ये तो पैरेलल नज़र आएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो स्क्वायर के केस में अगर हम किसी एक बेस को, एक बेस के एज को, बेस के एक एज को अगर हम लोग पैरेलल कर दें तो दूसरा बेस एज ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिकॉज दोनों बेस के एज के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, स्क्वायर का बेस एज परपेंडिकुलर टू VP है तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर VP बनाकर कर सकते हैं, या फिर एक पैरेलल बना दीजिए, उसके बाद स्क्वायर का दूसरा एज 90 डिग्री पर बना लीजिए। वो आपके हैंड में है कि आपको उसको कैसे बनाना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, स्क्वायर पिरामिड बना लेते हैं। स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस का एज 26 mm है। XY लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन बनाएंगे। एक बेस एज परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हमने कर लिया VP से, इससे परपेंडिकुलर हो गया। और उसका साइड का एज है 26 मैंने कर लिया। उसके बाद स्क्वायर मैंने बना लिया यहाँ पर प्रॉपर डायमेंशन के साथ, 26 में आपको बना लेना है। XY लाइन हो गया आपका। अब स्क्वायर पिरामिड है तो पिरामिड के पास क्या होता है, एक बेस एज होता है स्क्वायर शेप का, एक बेस एज होता है, एक बेस होता है और ऊपर में एपेक्स होता है, कुछ हाइट पर होता है, एक्सिस का हाइट कुछ दिया होता है, 58 हाइट है, 58 हाइट पर एक एपेक्स होता है। आप फ्रंट में देखिएगा तो एक ट्रायंगल जैसा दिखने वाला है, तो 58 हाइट पर एपेक्स होगा। जब टॉप से देखिएगा तो वो एपेक्स जो होगा वो स्क्वायर के सेंटर पर नज़र आएगा, बीच में नज़र आने वाला है, स्क्वायर के सेंटर पर नज़र आता है। तो यहाँ पर हम लोग को एपेक्स शो करना होता है, और एपेक्स से इंक्लाइन लाइन से ये कॉर्नर स्क्वायर का, इंक्लाइन लाइन से ये कॉर्नर स्क्वायर का, इंक्लाइन लाइन से बैक वाला कॉर्नर स्क्वायर का, इंक्लाइन लाइन से बैक वाला कॉर्नर स्क्वायर का मिला हुआ होता है, इंक्लाइंड एजेस वहाँ पर होते हैं। तो टॉप में आप देखिएगा तो एपेक्स तो बीच में नज़र आएगा, वो इंक्लाइन लाइन भी आपको ऐसे ऐसे स्क्वायर के अंदर में नज़र आने वाला है, वो भी कंटिन्यूस दिखने वाला है, बिकॉज वो एक्चुअल में एज है। जब एक्चुअल में एज होगा तो हमें वो लाइन दिखने वाला है। तो यहाँ पर हमें एपेक्स निकाल लेना होगा, और सेंटर निकालने के बाद, एपेक्स मतलब सेंटर निकालने के बाद हमें उसे कॉर्नर से मैच भी कर लेना होगा। तो स्केल से ये अपोजिट कॉर्नर को मिला लीजिए यहाँ डायगोनल को, ऑटोमेटिक ये आपका सेंटर दे देगा और एपेक्स भी दे देगा। आपको इसको ठीक कर लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा एरर लग रहा होगा, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। बीच का जो ये निकला यही एपेक्स है, ये एपेक्स से ये साइड का कॉर्नर 1, 2, 3, 4
ये अपेक्स, ये एक लाइन है, लेकिन हमें टॉप में देख रहे हैं तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, एक्चुअल में बहुत उसका लेंथ ज़्यादा है, लेकिन हम टॉप से देख रहे हैं तो हमें वो छोटा सा दिख रहा है। ये सब एजेस है, कंटिन्यूस है, वो दिखेगा। फ्रंट व्यू अब हमने बनाना है, टॉप व्यू हमने बना लिया है। फ्रंट व्यू बनाने के लिए प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ करना होगा, प्रोजेक्टर हमने लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है, आप 2H पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा। ये प्रोजेक्टर, तीन प्रोजेक्टर होगा, 1 और 2 का प्रोजेक्टर सेम हो जाएगा, 3 और 4 का सेम हो जाएगा, और 0 का प्रोजेक्टर मतलब एपेक्स का प्रोजेक्टर ये हो जाएगा। डायमेंशनिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं साथ में, डायमेंशनिंग आप छोड़िएगा नहीं, साथ साथ करते चलिएगा, बिकॉज भूल जाने से फिर क्या होगा, मार्क्स आपके वहाँ पर कट हो जाएंगे। 26 है, 26 यहाँ पर आपको कर लेना है। कभी भी डायमेंशनिंग के बगल में MM नहीं लिखना है, MM आपको नीचे में लिखना है, ऑल डायमेंशन आर इन MM। जब भी आपका शीट कंप्लीट हो जाएगा उस शीट के नीचे में आपको लिख देना है ऑल डायमेंशन आर इन MM। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सिस का हाइट 58 दिया हुआ है, 58 हाइट पर ये एक्सिस का ये लाइन है प्रोजेक्टर है, तो इसको 58 ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे। मानते हैं यहाँ पर 58 आ रहा है, 58 यहाँ पर आ गया, वहाँ पर हम लोग रोक देंगे, उसको हम लोग ओ डैश कर देंगे, ये हमारा ओ डैश हो गया। अब इस ओ डैश को साइड साइड वाले प्रोजेक्टर से मिला लेंगे। ऑलरेडी आपका एक हमने पिरामिड का क्वेश्चन विदाउट सेक्शन प्लेन वाला देख लिया है, तो आपको तो ड्रॉ करने आता ही होगा। ये हमने बना लिया, प्रॉपर स्केल से आपको मिलाना है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर वाला आपका थोड़ा लग रहा होगा कम है, लेकिन वो एग्जैक्ट है, आपको प्रॉपर स्केल से डायमेंशन के साथ बनाना है। 1 डैश यहाँ है, 1 यहाँ आ गया अंदर में, 2 डैश दूर है तो डिस्टेंस पर है, 2 डैश बाहर हो गया, यहाँ पर 4 डैश अंदर हो जाएगा, 3 डैश बाहर हो जाएगा। ये हमने नेमिंग भी कर लिया है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का काम हमारा हो गया, अब हमने सेक्शन ऑफ सॉलिड पे काम करना है। सेक्शन ऑफ सॉलिड आप पढ़ लीजिए क्या है, उसके बाद बोल रहा है अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू VP। एक सेक्शनल प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू VP है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल वॉल जो हो गया ये अपना वर्टिकल प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर सेक्शन प्लेन कोई है। परपेंडिकुलर है तो मतलब सामने से, जब फ्रंट से देखिएगा तो आपको एक लाइन के फॉर्म में ऐसे दिखने वाला है, लाइन के फॉर्म में दिखेगा। अब वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वो लाइन इंक्लाइंड भी हो सकता है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। बोल रहा है इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू VP, मतलब ये परपेंडिकुलर टू VP है, लाइन तो दिख रहा है हमारा फ्रंट व्यू में, लेकिन ये इंक्लाइंड ऐसे है। मान लीजिए मैं इधर से आ जाता हूँ, ये ऐसे है, लाइन तो दिख रहा है लेकिन ये ऐसे है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल ना होकर ये लाइन आपको ऐसा दिखने वाला है, यहाँ से 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से दिखने वाला है, मतलब फ्रंट व्यू में आपको लाइन दिखेगा और यहाँ पर कुछ एंगल भी उसका दिखने वाला है। फिर बोल रहा है बाइसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ पिरामिड, एक्सिस ऑफ पिरामिड को बाइसेक्ट कर रहा है, पिरामिड के एक्सिस को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए तो 30 डिग्री इंक्लाइन है। इंक्लाइन तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो 58 पर है, 58 का हाफ हो जाएगा 29, तो पहले 58 यहाँ से आप शो कर दीजिए कि ये टोटल 58 है। नीचे से भी आप शो कर सकते हैं, ऊपर से भी शो कर सकते हैं, मानता हूँ यहाँ पर 29 आ रहा हो, जहाँ पे भी आ रहा होगा आपका वहाँ कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 29। अब जहाँ पर 29 आया है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हल्का ड्रॉ कर लेंगे। बहुत का एक का सॉल्यूशन में देखा वो क्या कि पूरा यहाँ से यहाँ कंप्लीट कर दिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है, थोड़ा सा आपको करना है, ज़्यादा आपका फिगर जो हो वो ख़राब नहीं दिखे, थोड़ा सा आपको बस अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने सहूलियत के लिए क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर सेंटर पर थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे, इसी को रेफरेंस लेकर हम लोग को 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। 30 डिग्री एंगल अब ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ आने वाला है। मैं प्रोसेस समझा देता हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए, क्योंकि मैं सेक्शन प्लेन एग्जैक्ट मैं इससे तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, कंपास लेकर या एंगल लेकर मैं तो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो प्रोसेस आपको समझा देता हूँ कैसे ऐसे आपको बनाना है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये ऐसे ना होकर थोड़ा ऊपर हो जाए या थोड़ा नीचे हो जाए, ये यहाँ ना जाकर हो सकता है बेस इसमें तो नहीं करेगा, कटेगा बेस को। लास्ट क्वेश्चन जो मैं कराया था वहाँ पर एक स्टूडेंट ने बनाकर भेजा है, वो क्या हुआ है प्रिज्म का जस्ट कॉर्नर से पास हुआ है और जस्ट कॉर्नर से पास हुआ है, तो आप देख लीजिएगा आपका अगर कॉर्नर से पास हुआ है तो मेथड आपका सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको कॉर्नर से पास करते हुए पॉइंट्स वैसे ही निकाल लेना है, डेवलपमेंट वैसे ही कर लेना है, थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा डेवलपमेंट में, बिकॉज कॉर्नर से पास होगा तो वो जब डेवलपमेंट कीजिएगा तो आपका पॉइंट से वो क्रॉस करेगा, तो आप ऑलरेडी वो जानते हैं डेवलपमेंट कैसे करना है, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। अब हमने क्या करना है, इसका
नेमिंग कर लेना है, वी टी हो गया। अब सेक्शन प्लेन कहीं ना कहीं कट किया है, इस सॉलिड को कट किया है, तो उसका भी नेमिंग आपको कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए कितने कितने लाइन्स है, वन डैश ओ डैश अंदर में है, टू डैश और ओ डैश आगे साइड है, तो यहाँ पर भी दो नेमिंग हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए थ्री डैश ओ डैश आगे में है, फोर डैश और ओ डैश बैक साइड है, तो नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी दो होने वाला है नेमिंग, यहाँ पर भी दो होने वाला है, इस लाइन पर भी दो नेमिंग होगा बिकॉज टू लाइन है, यहाँ पर भी टू लाइन्स है, तो यहाँ पर भी दो नेमिंग होगा। तो यहाँ पर अंदर में कर लेते हैं पी डैश, वन डैश वाले लाइन पर पी डैश मान लेते हैं, टू डैश वाले पर क्यू डैश, उसी तरह से थ्री डैश वाले पर आर डैश और फोर डैश वाले पर एस डैश। अब आपको ध्यान में होगा कि पिरामिड का जब भी डेवलपमेंट करते हैं तो हमें फ्रंट व्यू में यहाँ पर ट्रू लेंथ नहीं मिल पाता है। फ्रंट व्यू में हमें क्या मिलता है, ट्रू लेंथ, वो नहीं मिल पाता है। ट्रू लेंथ नहीं मिलने की वजह से हम लोग को ट्रू लेंथ निकालना पड़ता है, बिकॉज आपको ऑलरेडी बताया था कि एपेक्स यहाँ है और ये जो पॉइंट है यहाँ पर थ्री वाला, थ्री यहाँ है, टू यहाँ है, आगे साइड है, वन ओ डैश यहाँ पर है, ओ थ्री यहाँ है, टू यहाँ है, थ्री यहाँ है, तो ये कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है, ये लाइन ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है। जब फ्रंट से आप देखिएगा तो फ्रंट व्यू जो यहाँ पर बनने वाला है वो एग्जैक्ट लेंथ यहाँ पर हमें नहीं दे रहा है, जो ओ डैश और थ्री डैश है वो एग्जैक्ट लेंथ नहीं दे रहा है, ओ डैश और टू डैश है या फिर जो भी है, ओ डैश से थ्री डैश या फोर डैश एग्जैक्ट लेंथ नहीं दे रहा है, ओ डैश से वन डैश या टू डैश दोनों में से कोई सा भी लाइन यहाँ पर ट्रू लेंथ नहीं दे रहा है, बिकॉज आप टॉप में देखिए ओ और थ्री ये भी इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ओ और फोर ये भी इंक्लाइंड है, ओ और टू ये भी इंक्लाइंड है, ओ और वन ये भी इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब कोई भी लाइन यहाँ पर पैरेलल नहीं है इनमें से, ओ थ्री ओ फोर ओ वन ओ टू इनमें से कोई भी एक लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल टू अगर एक्स वाई होता या पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन होता तो वो हमें ट्रू लेंथ दे देता, तो हमें पैरेलल वहाँ पर कर लेना होता है। आपको मेथड तो पता ही है, क्या हम लोग करते हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाइट कलर लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं, प्रॉपर स्केल लगाकर आप ड्रॉ कर लीजिएगा, जस्ट हॉरिजॉन्टल एक्स वाई लाइन को होना चाहिए वो, ये हमने ड्रॉ कर लिया। आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो जनरली हम लोग इधर स्पेस रहता है तो इधर ही कर लेते हैं। अब क्या करना होगा, ओ से थ्री का डिस्टेंस कंपास में हमने लेना होगा, ओ से थ्री का डिस्टेंस कंपास में लिया हमने, ओ को सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए कंपास का टिप यहाँ पर रखा और यहाँ पर पेंसिल रखा थ्री पर, और इसको क्या किया टर्न करके, टर्न किया यहाँ पर पेंसिल रखा और ओ पर, ओ को सेंटर मानते हुए ओ पर कंपास का टिप रखा और टर्न करके यहाँ पर घुमा दिया, ये हमने टर्न करके घुमा दिया। ध्यान रखना है कि कंपास का टिप ओ पर रखना है और पेंसिल का टिप थ्री पर रखना है, और थ्री से इतना ओ थ्री का रेडियस लेकर इसको टर्न कर लेना है। कभी कभी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, इतना रेडियस लेते हैं और यहाँ पर रेडियस लेकर यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे घुमा देते हैं, तो उनका एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा ओ को सेंटर लेना है और ओ थ्री का रेडियस यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर थ्री है तो थ्री, यहाँ पर टू है तो टू, जो भी है इतना भी ले सकते हैं, 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 सारा तो रेडियस बराबर ही है वो, तो इनमें से कोई भी रेडियस ले लिया और इसको एक पॉइंट पर रखकर यहाँ से टर्न कर लिया। अब जो ये पॉइंट आया इसको ऊपर की तरफ हम लोग शिफ्ट कर देंगे वर्टिकल लाइन से, क्योंकि ये हमने अब इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है ऑलरेडी, अब इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, इसका नेमिंग अब आप देना चाहे थ्री वन कर दीजिए, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर जो पॉइंट आया उसको आप नेमिंग कर दीजिए थ्री वन डैश। अब क्या करना है, इसको यहाँ से मिला लेना है, स्केल रखकर एपेक्स को थ्री वन डैश से मिला लेना है, प्रॉपर स्केल लेकर यहाँ पर मिला ले, माना कि ये स्ट्रेट लाइन है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा एरर लग रहा है, वो आप स्केल से रखिएगा तो आपका ठीक आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रू लेंथ निकल गया है, ये ट्रू लेंथ हो गया, ये हमने ट्रू लेंथ निकाल लिया। अब हम लोगों को डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले नॉर्मल पिरामिड का जैसे डेवलपमेंट करते थे वैसे कर लेंगे, उसके बाद फिर जो पॉइंट्स है उसका हम लोग को वहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेना होगा। तो कैसे पिरामिड का डेवलपमेंट करते थे, ट्रू लेंथ जो है हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर अभी सब लाइट पेंसिल से ही बनाएंगे, बाद में डार्क कर लेंगे, अपने मन से यहाँ पर स्पेस में ये ओ डैश पॉइंट जो है वो हम लोग यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रू लेंथ का है रेडियस, ट्रू लेंथ जितना है ओ डैश से थ्री वन डैश का कंपास में हमने लिया, कंपास में लेकर हमने यहाँ पर एक आर्क उतना का ही बना लेना है, तो मानते हैं इतना है, ये इतना के आसपास आ रहा होगा, तो मैंने माना कि ये ट्रू लेंथ का मैंने रेडियस ले लिया है कंपास में, आई थिंक थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक मानते हैं, यहाँ तक इस इतना रेडियस का बनेगा ये, अपने मन से अभी मैंने ड्रॉ कर लिया है, अभी उसका कोई लेंथ नहीं है, बस आर्क हमें पता है, ये लेंथ पता है कि ये ट्रू लेंथ होगा, यहाँ भी ट्रू लेंथ, यहाँ भी ट्रू लेंथ, सब जगह ट्रू लेंथ ही रहेगा ये, बिकॉज सेम रेडियस का बन रहा है। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, ये हमारा हो गया वन, अब वन से इसको यहाँ पर मिला लिया, सारा स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है,
ये वन हो गया, ये हो गया। उसके बाद जैसे हम लोग बनाते थे वैसे बनाएंगे, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से वन, सारा 26 है। तो यहाँ पर कंपास में 26 लेंथ ले लिया, वन से टू कट कर लिया, टू, टू से थ्री, थ्री, थ्री से फोर, फोर, फोर से फिर हो जाएगा वन, टू, थ्री, फोर, वन। जो एक्स्ट्रा आया उसको आप रिमूव कर दीजिए, बिकॉज वो तो हमने अपने मन से ड्रॉ किया था, वैसा तो कोई फिक्स आर का लेंथ था नहीं। इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये सब स्ट्रेट लाइन होगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा आर्क जैसा लग रहा होगा आपको, कर्व जैसा लग रहा होगा या एरर लग रहा होगा, वो सब आप देख लीजिएगा अपने से स्ट्रेट लाइन। चलिए हमने बना लिया स्क्वायर पिरामिड, फोर बन गया, फोर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को इसका जो सेक्शन वाला पोर्शन है जो कट हुआ है वो हमें पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। वो पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। तो ये सब जो पॉइंट है वो ट्रू लेंथ पर नहीं है, ट्रू लेंथ पे रहता तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से यहाँ मेज़र करते हैं और शिफ्ट कर देते हैं, बट ट्रू लेंथ पे नहीं है तो इसको ट्रू लेंथ पर शिफ्ट हमें करना होगा। कि ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करेंगे तो क्या लेंथ आएगा उसका। तो यहाँ पर फिर हमें प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होगा। आर और एस भी ट्रू लेंथ पर नहीं है तो क्या करना होगा, यहाँ पर आर को अंदर कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, आर डैश। तो आर वाला पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, स्केल रखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और इसको शिफ्ट करके, शिफ्ट करके यहाँ पर कर देंगे, शिफ्ट करके हॉरिजॉन्टली यहाँ पर कर देंगे ट्रू लेंथ पर। और पी और क्यू भी हमारा ट्रू लेंथ पर नहीं है, अगर ट्रू लेंथ पर रहता तो हमें कोई जरूरत नहीं रहता। आप देख लीजिएगा ट्रू लेंथ ये है कि नहीं है, इस केस में तो नहीं है, किसी किसी केस में हेक्सागोनल केस में ट्रू लेंथ रहता है वो, तो हमें बाहर वाले लाइन को नहीं करना होता है, सिर्फ इनर लाइन को करना होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इसको भी हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। अब जो ये पॉइंट आया है, यहाँ पर जो पॉइंट आया ये हो गया आर डैश और एच डैश वाला, ये वाला, और ये जो पॉइंट आया है ये पी क्यू का हो गया है। यहाँ पर अब आ गया न्यू वाला पी क्यू, कहाँ पर आ गया, पी और क्यू, पी डैश और क्यू डैश दोनों यहाँ पर आ गया। उसका जो ट्रू लेंथ निकला है वो यहाँ पर हो गया है, और इसका आर डैश और एस डैश का जो ट्रू लेंथ निकला है वो यहाँ पर आ गया है। अब यही लेंथ हमने मेज़र कर लेना है और मेज़र करके वहाँ कट कर लेना है। तो क्या करना होगा, कंपास में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिया हमने पी क्यू का, दोनों का तो सेम ही है, पी और क्यू का डिस्टेंस लिया है यहाँ पर। और पी और क्यू किस किस लाइन पर है, पी जो है वन वाले पर था, क्यू जो था वो टू वाले पर था। तो कंपास में हमने लिया यहाँ से यहाँ वन वाले पर, मैंने कट कर लिया, इतना जो कट हुआ वो आ गया पी आ गया, मानते हैं पी यहाँ आ रहा है। और वन एक और होगा लास्ट में, उसको भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगा, ये भी आ जाएगा पी, दोनों सेम ही रहेगा, दोनों का लेंथ सेम है। उसी तरह से क्यू जो है, क्यू का भी लेंथ सेम ही है, तो हॉरिजॉन्टल से मैंने मेज़र किया, और क्यू जो था वो टू डैश वाले लाइन पर, हमने माना था कि पी पी डैश जो है वन वाले पर है और क्यू जो है वो टू डैश वाले पर है, तो टू वाले पर भी सेम हाइट पर, सेम हाइट यहाँ पर, बिकॉज दोनों पी और क्यू सेम ही हाइट पर है, सेम हाइट पर मैंने कट कर लिया। ये पॉइंट्स आ गए आपको क्यू। अब आर और एस यहाँ से फिर से मेज़र करेंगे, कंपास का टिप यहाँ रखेंगे और आर का डिस्टेंस ट्रू लेंथ वाले पर मेज़र कर लेंगे यहाँ पर आर और एस। अब देखिए आर और एस दोनों एक ही पॉइंट पर है, तो दोनों एक ही पर हो जाएगा, दोनों का लेंथ मतलब कंपास में सेम आएगा। आर जो हमने मेज़र किया था वो हमने माना था कि आगे वाले थ्री वाले पर आर था और इनर वाले पर एस था, वो आप जैसे जैसे मेज़र किए होंगे, जैसे जैसे आप नेमिंग किए होंगे वैसे आपको याद होगा, थ्री वाले पर आर था और फोर वाले पर एस था। तो थ्री वाले पर जो हमने डिस्टेंस ट्रू लेंथ पर लिया आर का, वो थ्री वाले पर हम लोग कट कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से, आई थिंक मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा वो, ये आर हो जाएगा। और एस और आर का हाइट सेम है, बट एस जो है वो फोर वाले लाइन पर है, तो फोर वाले लाइन पर मैं कट कर लूँगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एस। सारा पॉइंट शिफ्ट हो गया है। सबसे पहले ध्यान इसमें ये रखना है कि ट्रू लेंथ तो पहले हम लोग सॉलिड का निकाल लेंगे, उसके बाद जो पॉइंट्स आए हैं सेक्शन कट करने के बाद, उस सेक्शन को भी ट्रू लेंथ पर हमने देखना है कि वो ट्रू लेंथ पर है कि नहीं। अगर ट्रू लेंथ पर पहले से है तो हमें उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करने का, और अदरवाइज़ अगर नहीं है तो हमने वहाँ पर ड्रॉ करना होगा उसको। अब हमने पॉइंट्स निकाल लिया है, अब इसको आपस में स्ट्रेट लाइन से मिला लीजिए आप, यहाँ से यहाँ स्केल रखा, यहाँ मिला लिया, यहाँ से यहाँ रखा, यहाँ मिला लिया, और यहाँ से यहाँ रखा, फिर यहाँ मिला लिया, यही इसका डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में तो बोला नहीं है डेवलप द ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर पिरामिड बोला है, ना ही बोला है कि लोअर सरफेस का है, ना ही बोला है अपर सरफेस का है, तो नहीं बोला है तो हम लोअर सरफेस का कर लेंगे, लोअर सरफेस का कर लेते हैं। इसको डार्क कर लेना है, इसको डार्क कर लेना है, बिकॉज ये सब पिरामिड के केस में भी
इनर लाइन एक एज के फॉर्म में होता है, जब आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर एज आपको दिखेगा। ये चीज़ बार बार बोलता हूँ इसलिए आपको लोग थोड़ा ध्यान में रखना है, आपको याद हो जाए हमेशा के लिए, इसलिए ये चीज़ बार बार बोलता हूँ कि प्रिज्म के केस में और पिरामिड के केस में आपको इनर लाइन को डार्क कर लेना है। ये हमने आर्क बनाया था कंपास में, बट यहाँ पर स्क्वायर प्रिज्म के केस में, स्क्वायर पिरामिड के केस में, या कोई भी पिरामिड के केस में जो नीचे का बेस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से इसको मिला लेना होगा और वो डार्क से मिलाना होगा। ये स्ट्रेट लाइन मान रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्योंकि मेरे पास तो कंपास है नहीं, तो थोड़ा सा एरर आपको लग रहा होगा देखने में। मानता हूँ ये स्ट्रेट लाइन है, बाहर वाला थोड़ा आर्क बाहर रहेगा और स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा अंदर रहेगा। वो आप जब प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसा होने वाला है। यहाँ पर मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो कोई कोई आपको लग रहा होगा सेम ही पर आ जा रहा है, बट ये सेम पर नहीं है, आर्क थोड़ा सा बाहर रहता है ऐसे करके। यही हमारा डेवलपमेंट हो गया है। तो क्वेश्चन 2017 में आई थिंक आया हुआ है, उसमें क्या है कि ऐसा फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है और फिगर में ही बोल दिया है कि लोअर पोर्शन का हमने ऐसे फिगर कट किया है, बोल दिया है कि ये जो पी है सेक्शन, यहाँ पर पी का पोर्शन है, उसका डेवलपमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्लास या एक दो क्लास बाद हम लोग देख लेंगे, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा आया हुआ था, आपको दिखा दिया जाएगा और क्वेश्चन आपको बता भी दिया जाएगा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड का देख लिए, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे पेंटागोनल का, हेक्सागोनल का, उसी में हम लोग देख लेंगे वो क्वेश्चन क्या है, नहीं होगा तो वो क्वेश्चन ही आपको करा दिया जाएगा, जिससे कि आपका हेक्सागोनल पिरामिड भी कंप्लीट हो जाए और वो क्वेश्चन भी बन जाए आपसे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, आई थिंक सारा पोर्शन हो गया, डायमेंशनिंग हमने कर लिया है, टू लेंथ पर शिफ्ट भी कर लिया, टू लेंथ यहाँ पर लिख भी दिया है, ये डेवलपमेंट भी हमने कर लिया, सेक्शन वाला काम हो गया, कोई भी चीज़ रिमेनिंग नहीं है। बस आप जब बना लीजिएगा तो शीट के नीचे में एग्जामिनेशन शीट के नीचे में ऑल डायमेंशन आ रही नेम है आपको लिखना कंपलसरी है, वो ध्यान में आपको रखना है। तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं और अगर कुछ डाउट है पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और एक इंजीनियर सदा ग्रुप है वहाँ पर, उसको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप लिंक पर चले जाइएगा और ज्वाइन कर जाइएगा, या फिर फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आप इंजीनियर सदा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।